तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मनी, न जाने कहाँ मर गई। क्यों चिल्ला रहे हो? मनी कहाँ गई? क्या चाहिए बोलो, साबुन पानी सब रख दिया है मैं। ये लो गमछा, अपना हाथ ले आओ। अरे मैंने पूछा मनी कहाँ गई? मास्टरनी जी के घर गई है। क्यों? पढ़ने गई है। तुम लोग किससे पूछकर ये सब कर रहे हो? कल रात ही तो आपको बताया था। मैंने मना किया था ना? मना किया था कि नहीं? मैं लड़की का विवाह जल्दी से करवा कर छुटकारा पाना चाहता हूँ। तुम लोग ये सब कर रहे हो? लड़की को पढ़ने भेजा है, कोई गलत काम तो नहीं करने? हाँ, गलत काम किया है तुम लोगों ने। असल में तू ही कुल अच्छे नहीं है। बेटी को जन्म देकर मेरा नसीब खराब कर दिया है तुमने। गलती मेरी है, पैदा होते ही उसे मुझे मार डालना चाहिए था। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या उसने आपको आग में डाला है? हाँ, आग में डाला है उसने मुझे। जल रहा हूँ मैं। दिन व दिन मुसीबतें बढ़ते जा रहे हैं, खाने और कपड़े के खर्च बढ़ते जा रहे हैं। और अब वो स्कूल में पढ़ेगी, पास किया तो फिर कॉलेज में दाखिला, किताब कपड़े के खर्च कौन देगा? तेरा बाप? बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार आजकल बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। मैं भी काम करूंगी, जो मिलेगा उसके लिए बचाऊंगी। पैसा जमा कर, लेकिन उसे पढ़ाने के लिए नहीं, उसकी शादी के लिए। आपको जो भी करना है करें, मैं अभी मनी की शादी नहीं कराऊंगी। सही है, मुझे लगता है आठवीं कक्षा तक तुम सब जान गई हो, और नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए तुम घर पे ही तैयारी करके मैट्रिक परीक्षा दे पाओगी, फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेना। ठीक है दीदी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने घर पे छोटे भाई की किताब पढ़ के सही उत्तर तो दे दिया, लेकिन साधारण ज्ञान के उत्तर कहाँ से मिले? पिताजी बाजार से जो सामान अखबार में बांध के लाते हैं, मैं उन अखबारों के टुकड़ों को संभाल के रखती हूँ और बाद में समय मिलने पे उन्हें पढ़ती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी ये जिज्ञासा तुम्हें एक दिन बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन तुम्हें और अखबारों के टुकड़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं रोज 3 अखबार लेती हूँ, हिंदी, असमिया और अंग्रेजी, तुम वो पढ़ सकती हो। ठीक है दीदी। और एक बात, तुम सवेरे मेरे स्कूल जाने से पहले और शाम को मेरे स्कूल से आने के बाद मेरे घर पढ़ने आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी। और छुट्टी के दिन तुम कभी भी आ सकती हो, मैं घर में अकेले ही रहती हूँ, तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है दीदी। दीदी ये लैपटॉप है ना? हाँ। तुम्हें चलाना आता है? नहीं आता। कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हें सिखा दूंगी। बहुत मजा आएगा। पर तुम्हारे पिताजी नाराज तो नहीं होंगे? पिताजी? हाँ, तुम मेरे पास पढ़ने आओगी तो पिताजी नाराज तो नहीं होंगे? नाराज तो होंगे। मैं आज जब यहाँ आई थी तो पिताजी घर में नहीं थे, मछली पकड़ने गए थे। वापस आकर शायद मेरे बारे में पूछा होगा।
माँ से शायद झगड़ा भी किया होगा, पर मैं यहाँ आऊंगी दीदी, मैं पढ़ूंगी। सर्रा, अरे सुनती हो? अरे एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है। सर्रा, ये देख, अरे अच्छी तरह से देख ले। अब बोल, पसंद आया? ये? हाँ, ये हमारे मनी के होने वाले पति और हमारे होने वाले जवाई राजा। इन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। क्या पहचानती है? हाँ, अच्छी तरह। हमारी गांव की मोहरी चाचा की बेटी शिवाली से इसकी शादी हुई थी। बहुत कम उम्र में ही बेटी की शादी करा दी थी। शादी के बाद अक्सर वह बीमार रहने लगी। शादी के 2 साल बाद बच्ची को पैदा करके ही वह चल बसी थी। डॉक्टर ने कहा था कि कम उम्र में शादी करने के कारण ही ऐसा हुआ है। ये सब अपने अपने नसीब की बात है। कम उम्र की लड़कियां शादी के लिए पूर्ण तरह से तैयार नहीं होती, इसीलिए माँ और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। मैं ये सब नहीं जानता। कल लड़का आ रहा है, मनी को घर में रहने के लिए बोल देना। आप अपनी छोटी सी बच्ची का हाथ इस शादीशुदा को देना चाहते हैं, जिसका एक बेटा भी है, लेकिन एक छोटी सी लड़की एक बच्चे को कैसे पालेगी? अरे पाल लेगी। एक बात सुन, ये फोटो मनी को दिखा देना और मनी को शादी के लिए राजी कराना तेरी जिम्मेदारी है। अब आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से, हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, आदर्श गांव योजना, अटल पेंशन योजना, आवास योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, कृषि योजना, कौशल विकास योजना, मुद्रा बैंक योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। क्या देख रही हो? देखो ना दीदी, भारत सरकार ने महिला तथा लड़कियों के लिए कितनी सारी योजनाएं निकाले हैं। मुझे पूरा लिस्ट मिल गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, आदर्श गांव योजना, अटल पेंशन योजना, आवास योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, कृषि योजना, कुशल विकास योजना, मुद्रा बैंक योजना, गरीब कल्याण योजना और बहुत सारे। बिल्कुल, हमारी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। इनमें से और एक सुविधा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का प्रमुख लक्ष्य है देश के हर इलाकों पे हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। वाह, कितना अच्छा होगा अगर हमारा गांव इंटरनेट के सहारे देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा, तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल,
हम गांव में बैठे बैठे ही देश और दुनिया की हाल जान सकते हैं, साथ ही दफ्तरों का काम भी घर बैठे कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ दीदी। वेरी गुड, चाय पियो। अच्छा मनी, तुम्हारे पिताजी क्या तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं? हाँ दीदी, वो मुझे बोझ समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी शादी करवा देने से उनका बोझ हल्का हो जाएगा। इस बार अगर जबरदस्ती की तो मुझे बताना, मैं उन्हें समझाऊंगी। फिर भी नहीं समझे तो मैं कानून की मदद लूंगी, क्योंकि 18 साल से पहले शादी कराना कानूनन अपराध है। कानूनन अपराध है, हमारी मास्टरनी जी कहती है। देखिए ना, बेटी मेरी है, शादी मैं करा रहा हूँ, बीच में कानून कहाँ से आ गया? एकदम सही कहा आपने। अरे इधर आ, यही मेरी बेटी है। बड़ी सुंदर है। तू अंदर जा। आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, मैं वो कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मतलब? मतलब लड़की अभी छोटी है, मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगी। मुझे पता है, लेकिन एक उपाय भी है। मेरे सर्टिफिकेट में उसकी उम्र बढ़ा लेंगे। मेरा जान पहचान है, थोड़े पैसे देने से काम हो जाएगा। मतलब? आप लोग फिकर मत कीजिए, सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। बड़े ही बेशरम आदमी हो, लड़की की शादी नहीं कराएंगे ये कहने पर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो। गोपी, तुमने घर में अच्छी तरह सलाह नहीं किया क्या? अरे किया है ना, सही तरह से सलाह मशवरा करके ही फैसला लिया है। तो तुम्हारी बीवी मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू अंदर जा। पहले इस आदमी से कहिए कि चला जाए यहाँ से। गोपी, इसके हाथों में कुछ नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। फैसला मैं करूँगा, मैं जो बोलूँगा वही होगा। क्यों होगा? अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या खाने की औकात नहीं है और पुलिस बुलाएगी? हाँ बुलाऊंगी। पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, हम गरीबों के लिए भी होता है। अब आप जाएंगे या धक्के मार के बाहर निकालूं यहाँ से? गोपी, ये तूने अच्छा नहीं किया, घर बुला के इतनी बेइज्जती। अजी सुनिए तो, आप गलत समझ रहे हैं, रुकिए तो। आई कुलक्षणी, आराम जाती सुनती है कि नहीं? अरे बाहर निकल गया, अब इतनी जल्दी सो गई, आज तेरी खैर नहीं। मर गई क्या? आज तो मैं तुझे, आज तुम दोनों माँ बेटी की चमड़ी उधेर के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। चिल्ला क्यों रहे हो? फिर भी क्या है हो आज? मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता। मर्द हो तो कुछ भी करोगे? ऐसे चिल्लाने से आसपास के लोग क्या कहेंगे? वाह 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 वाह, आसपास के लोगों के परवाह है लेकिन अपने पति का परवाह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों के सामने मुझे अपमानित करने का? उफ, कितनी बार कहा है मैंने कि बेटी की शादी अभी नहीं करानी, आप समझते क्यों नहीं? अरे तू क्यों नहीं समझती, ऐसा लड़का बार बार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पता है कितनी मेहनत से मैं उसे ढूंढ के लाया था? मेरी बस आखिरी बात, मनी की शादी अभी नहीं होगी। मेरे साथ जुआन लड़ाती है? अच्छा माँ, तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। माँ को मत मारिए। चिंता नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा ना, बस और मैं नहीं सहूंगी, मेरी बेटी को छोड़ दो,
हरना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी तकदीरी की आजमाता है। अरे, कट जाएगा हाथ। जा, तू एक काम कर, तू जाके देख माँ का खाना हुआ कि नहीं। जा। ठीक है पिताजी। दीदी। पिताजी, मैं कुछ मदद कर दूं? खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जी, लाइए सामान, मुझे दे दीजिए। हट जा मेरे नजर के सामने से। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। अरे बेटा, आजा, 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 आजा। अय्या, कुछ खाया कि नहीं? नहीं। क्यों, तेरी माँ कहाँ है? दीपू की माँ, ए दीपू की माँ, सरला मैं आ गया। पिताजी पानी। सुबह बहुत काम है। माँ, पिताजी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मैं लड़की हूँ इसलिए? लड़की होके पैदा होना पाप है क्या माँ? नहीं तो, क्या बोल रही है तू? नहीं माँ, हमारे देश में देवी माँ की पूजा की जाती है। धन दौलत रुपया पैसा को लक्ष्मी माँ कहा जाता है, फिर नारी के प्रति इतना अन्याय क्यों माँ? पिताजी को भी तो एक औरत ने ही जन्म दिया है। हमारे देश में लड़कियों को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। कानून तो बहुत बने पर ये हत्याएं कम नहीं हुई। लोग समझते क्यों नहीं माँ? क्यों?
भाई। क्या हुआ, क्या हुआ है आपको? हे भगवान, ये क्या हो गया है? मणि, दीपू, इधर आओ। देखो पिताजी को क्या हो गया है? क्या हुआ है इन्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ, क्या हुआ? क्या था? नाक सांप ने काटा है। जा जा चाचा, बुला के ला, जा जल्दी कर। हे भगवान, क्या हो गया है इन्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? आइए देखिए तो, देखिए देखिए तो, देखिए तो क्या हुआ, देखिए तो क्या हुआ, क्या हुआ? सांप ने काटा है। सांप ने काटा है? चलो वैद्य के पास ले चलो। नहीं नहीं, पहले जहरीला खून निकालना होगा। पकड़े इन्हें, पकड़े पकड़े, हाँ पकड़े, हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, जहर निकल गया। मणि, सांप के काटने से उस जगह को काट कर जहरीला खून निकालना चाहिए, ये तुमने कहां से सीखा? दीप्ति दीदी के घर इंटरनेट पे देखा। सांप के काटने पर पहले सांप को पहचाने और फिर सिरिंज या चाकू से काट कर जहरीला खून निकाले। जहरीले खून को कभी मुंह से ना निकाले। वाह, आपके बेटी की समझदारी की वजह से आप बच गए। मणि को कुलक्षणी कहते थे ना, आज उसके कारण ही आपको नया जीवन मिला। आप बेटी को कुलक्षणी कहते हैं? लड़की को जन्म देना ही पाप है। आप ही कहते थे ना कि जल्दी से शादी करा दो। आप गलत कर रहे हैं, लड़कियां बोझ नहीं होती। अब तो सरकार ने भी आप जैसे परिवार की सहायता के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत सरकार ने गांव के गरीब से गरीब परिवार की बेटियों की चारों ओर समृद्धि के लिए बहुत सारे उपाय निकाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के पढ़ाई लिखाई के साथ शादियों का भी खर्चा सरकार देती है, इसीलिए आज से लड़का और लड़की को समान दृष्टि से देखिए। क्या आप अभी भी मणि को कुलक्षणी मानते हैं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी, मैंने तुमको बहुत कष्ट दिए। अगर हो सके तो तेरे इस नासमझ नालायक पिता को माफ कर देना। पिताजी, मैं कीमती सोने को पीतल समझकर फेंक देना चाहता था बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मणि सचमुच सोने का टुकड़ा है, वो आपकी घर की बेटी ही नहीं, वो आपकी घर की ज्योति भी है।